परशुराम गांव में एक विष्णु भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम राजेश था। राजेश, अरे भैया सुनो, मुझे परशुराम के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। राजेश, अच्छा ठीक है। वहाँ से पुजारी के पास निकल जाता है और पुजारी के पास जाकर कहता है, राजेश पुजारी साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे परशुराम जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। पुजारी, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। राजेश, आपका धन्यवाद। पुजारी राजेश को अपने ही घर में रोक लेता है और राजेश का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को राजेश सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और पुजारी उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। पुजारी भी राजेश के पीछे जाता है। पुजारी, क्या बात है राजेश, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? राजेश, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। पुजारी, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। राजेश, यहाँ कोई नागिन है क्या? पुजारी, आपको कैसे पता? राजेश, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। पुजारी, कौन हो तुम? राजेश, मैं राजेश हूँ। पुजारी, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। पुजारी की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ पुजारी जी? पुजारी, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहाँ नागिन है। राजेश, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। पुजारी, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहाँ? इच्छाधारी नागिन राजेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। राजेश, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, मत करो ऐसा तुम। राजेश, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजेश, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन, क्या संकट? राजेश, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो, वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। पुजारी, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। गाइस, यार एक वीडियो बनाने में ना 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है और आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड तक नहीं लगेगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज।